हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। इन दिनों जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक चर्चाओं में बने हुए हैं। उनके बयान तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन अब की जो अपडेट है वो आपको बता रहे हैं कि सत्यपाल मलिक ने सर्वखाप बुलाई थी और सर्वखाप बुलाने का उन्होंने आह्वान किया था, लेकिन इसी बीच सत्यपाल मलिक को पुलिस ने एक मामले के अंदर जो है समन भेजा है। आपको बता दें कि उनको आरकेपुरम पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है और उनको छावला पुलिस स्टेशन ले जाया जा सकता है किसी भी वक्त। और क्या पूरा मामला है ये भी आपको बता देते हैं कि दरअसल जम्मू कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, उनको सीबीआई ने तलब किया है। और क्यों तलब किया है, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब वो राज्यपाल थे तो उस समय 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश के मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। और कांग्रेस का ये भी आरोप है कि उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर सवाल खड़े किए थे, इसीलिए उनको समन भेजा गया है। हालांकि पुलवामा हमले की अगर बात करते हैं तो उसको लेकर भी बहुत सारे कॉन्ट्रोडिक्शन इसमें सत्यपाल मलिक के खुद के हैं, विरोधाभास उनके खुद के बयानों में हैं। जिस तरीके से उन्होंने पहले जो बयान दिए थे और अभी जो बयान दिए उनके सामने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के उन्होंने कई बातें कही हैं, पहले कुछ और कही थी और अभी कुछ और कही हैं। लेकिन 300 करोड़ की रिश्वत के मामले में सीबीआई ने उनको समन कर दिया, आरकेपुरम उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और उसके बाद छावला पुलिस स्टेशन किसी भी टाइम उनको लेकर जाया जाएगा और उनसे सीबीआई पूछताछ भी करने वाली है इस तमाम मामले को लेकर के। लेकिन सत्यपाल मलिक की अगर बात करें तो सत्यपाल मलिक ने ये आरोप लगाया था कि सरकार का रवैया जो है पूरा ढुलमुल रहा है और इसी वजह से पुलवामा की त्रासदी हुई। लेकिन अगर सत्यपाल मलिक की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा था कि जब आप राज्यपाल थे तब आपके पास सारी शक्तियां थी, पूरी पावर थी, आप बोल सकते थे, आपने इतनी बातें तब बोली, तब अब क्यों आपने जो है इस तरह की बातें बोली है। तो बड़ा बयान जो है वो उन्होंने दिया है। उन्होंने ये भी बोला है कि अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते क्यों नहीं जागी आपकी अंतरात्मा, और सत्यपाल मलिक पर इस तरीके से भड़के हैं और उन्होंने तमाम चीज़ें कही हैं कि उनको पहले ही जो है इस बारे में बोलना चाहिए था, ये बातें उनकी अब क्यों याद आ रही हैं जब वो राज्यपाल नहीं रहे हैं, उसी वक्त उन्होंने क्यों नहीं बोला। उन्होंने बीजेपी ने, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने ऐसा कुछ करने के लिए उनसे कभी नहीं कहा जिसको छिपाना पड़े। तो ये बातें गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही हैं। लेकिन अब जब सीबीआई ने 300 करोड़ की रिश्वत के मामले में सत्यपाल मलिक को समन भेजा है, देखना क्या होगा कि क्या कुछ होता है। हालांकि सर्वखाप बुलाने की बात भी जो है उन्होंने कही है सत्यपाल मलिक ने, देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में आगे क्या होता है, इस खबर पर हमारी नजर आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।